अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों के 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है, तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे, केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया, तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर, रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां शुरू कर देती है।